नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। नाग नदी पुनर्जीवन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का महत्वाकांक्षी प्रकल्प है। इस प्रकल्प के संदर्भ में आने वाली अड़चने खामियों को दूर कर तकरीबन 2,200 करोड़ से नाग नदी का पुनरुज्जीवन प्रकल्प के कार्य को जल्द ही गति देने की बात महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रेस वार्ता में कही। नाग नदी का पुनरुज्जीवन प्रकल्प गति देने हेतु फरवरी 2020 में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। हाल ही में नाग नदी के सौंदर्यकरण की विस्तार योजना तैयार की है। शहर में नाग नदी की लंबाई 15 किलोमीटर की है। इसके पुनरुज्जीवन तथा सौंदर्यकरण पर 2,117.71 करोड़ का खर्च का आकलन किया गया है। इसके पूर्व नाग नदी के गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प शुरू किया जाएगा। इस कार्य के लिए जापान के जीका संस्था से सहयोग लिया गया है। इसके लिए तकरीबन 2,200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार 60% तो राज्य सरकार 25% अनुदान देने का निर्णय लिया है। शेष 15% मनपा को करना पड़ेगा। नाग नदी से प्रदूषण निर्मूलन के बाद नदी पुनरुज्जीवन तथा सौंदर्यकरण प्रकल्प की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली में हुई इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, देवेंद्र फडणवीस, जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल, महापौर दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी मौजूद थे। नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हमारे नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्हीं की संकल्पना से साकार करके महाराष्ट्र राज्य की अनुमति लेकर के इस प्रकल्प को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। जीका नाम की जापान की एक कंपनी है, उसके माध्यम से करीब करीब 2200 करोड़ के आसपास की राशि इस प्रकल्प के लिए प्रस्तावित है। यह प्रकल्प रुड़की की आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है और वह प्रकल्प केंद्र सरकार के पास भेजा गया। कोरोना प्रारंभ होने के कारण करीब करीब एक वर्ष यह प्रकल्प रुका हुआ था और उस प्रकल्प को देखने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी वह महानगर पालिका का रिटायर्ड कर्मचारी, उसकी नियुक्ति को भी कोरोना के कार्यकाल में निरस्त कर दिया गया था। माननीय नितिन जी गडकरी, इन्होंने जो उस प्रकल्प के बारे में जानकारी ली तो एक साल से जहाँ के वहाँ स्थिति में था, उन्होंने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके उस प्रकल्प को गति दिलाने के लिए वित्त सचिव से बात करी। 15 दिन में वित्त सचिव के माध्यम से वित्त मान्यता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो 15 दिन में वित्त मान्यता प्राप्त होगी उसके आगे की कार्रवाई को भी गति मिल जानी चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने कल एक बैठक का आयोजन किया था, जिस बैठक में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र जी शेखावत उपस्थित थे, महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल उपस्थित थे, माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस उपस्थित थे और महानगर पालिका की ओर से मैं स्वयं और माननीय आयुक्त महोदय दोनों गए थे। इसमें विशेष रूप से निर्णय यह लिया गया कि यह जो प्रस्ताव तैयार है, इस प्रस्ताव को चेक करने के लिए नेशनल रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से एक पीएमसी नियुक्त की जाती है जो इस प्रस्ताव के टेक्निकल स्क्रूटनी करके जांच करती है। अगर उसमें कुछ सजेशन होगा, कुछ और जोड़ना होगा तो उसे जोड़ने का काम करती है। उसकी यथाशीघ्र 15-20 दिन में नियुक्ति हो और आने वाले महीने 1.5 महीने में इस कार्य की पूर्तता हो, इस प्रकार के निर्देश केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र जी शेखावत इन्होंने दिया।